क्या है? क्या हुआ? देखो क्या इस रमन को रोज ही तो देखते हैं। रमन नहीं, वर्दी, स्कूल की वर्दी। एक दिन मैं भी पहनूंगी। माँ, मेरा भी मन करता है वर्दी पहनने को और स्कूल जाने को। क्या वर्दी पहनने को? तू क्या कोई लड़का है जो वर्दी पहनेगी? चल जाके बर्तन साफ कर। पर माँ, मेरा भी मन करता है स्कूल जाने को। क्या मैं स्कूल गई थी जो तू स्कूल जाएगी? आई बड़ी स्कूल जाने वाली, चल जाके बर्तन साफ कर। तो मैं बाबूजी से शिकायत करूंगी। क्या अपनी माँ को आंखें दिखाती है? शर्म नहीं आती तुझे? और सुन, तेरे बाबूजी वही करेंगे जो मैं कहूंगी, समझी कि नहीं समझी? चल जा यहाँ से। अरे अब बुत बन के क्या करी है? चल दफा यहाँ से। ये है बड़ी वर्दी पहनने वाली, भला लड़का और लड़की में भी कोई मुकाबला है? चलिए बराबरी करने। सारा दिन माँ काम करवाती है, कभी बर्तन धुलवाती है, कभी कपड़े, और पढ़ाई की बात करो तो चिढ़ जाती है। करूं तो क्या करूं? बाबूजी से बात करूंगी। ले उठा मेरा बैग। क्या कर रही है विद्या? देखो ना दीदी, मुझे इस किताब में कुछ भी समझ नहीं आता, लेकिन मेरा मन फिर भी इसे पढ़ने का करता है। हाँ विद्या, मेरा भी मन पढ़ने का करता है। तो फिर भगवान ने हमें लड़की क्यों बनाया? देख, दुर्गा माँ भी तो लड़की है ना, उन्हें तो हम सब पूछते हैं। तो तू हिम्मत क्यों हारती है? लड़कियाँ सब कुछ कर सकती हैं। तो फिर हमें माँ स्कूल क्यों नहीं जाने देती दीदी? दीदी, भैया की वर्दी, दीदी मैं पहनू इसे? देखो ना दीदी, कितनी सुंदर है भैया की वर्दी। भैया कितने अच्छे लगते हैं इसमें। मैं अच्छी लग रही हूँ ना? मेरी पगली सी बहन रमन की वर्दी पहन के कितनी खुश हो रही है, फूली नहीं समा रही है। पर इसको शायद ये नहीं पता कि माँ हमें स्कूल कभी नहीं जाने देगी। शायद हमारी किस्मत में नहीं। चलो थोड़ी देर ही खुश हो ले। कैसे निहार रही है अपने आप को शीशे में। सुनो जी, कितनी बार तुमसे कहा है कि रमन के लिए एक साइकिल ला दो, मगर तुम तो लाके ही नहीं देते। ला दूंगा, ला दूंगा। पैसे तो जैसे आसमान से टपकते हैं। साइकिल जी, माँ की जल्दी आनी चाहिए। माँ जल्दी ला। खाना बेटा, खाता हूँ। खा ले मेरा बच्चा, खा ले। माँ, मुझे भी दोना हलवा। चल चल, पहले अपना काम कर ले, भाई को खाने दे, देखनी नहीं। रमन जल्दी खाना। चुप कर, आराम से खाने दे उसे। ले बेटा और ले। बस ना, थोड़ा सा और खा ले ना। अरे शाम को खा लूंगा बस ना। चल ठीक है। क्या है? माँ मुझे हलवा दो। ये तेरे भाई के लिए है,
माँ थोड़ा सा दे दो ना। कहा ना तेरे भाई के लिए, सुनाई नहीं देता? बाद में मिलेगा, पहले सारा घर का काम खत्म कर ले। और ये चुन्नी कहाँ है तेरी? माँ अभी तो घर में हूँ। घर में हो तो क्या हुआ, जवान चलाती है? चल जा यहाँ से काम कर। बात ऐसी है बाबूजी, देखो माँ मुझे हलवा नहीं देती, सिर्फ रमन को देती है। माँ मुझे हलवा नहीं देगी तो मैं खाना नहीं खाऊंगी, बस। अच्छा तो मैं तेरी माँ से कह देता हूँ कि भाई हमारी बेटी को भी हलवा दे। अरे भाई रमन की माँ, हमारी बिटिया को भी हलवा दो ना। अजी थोड़ा सा हलवा बचा है, रमन के लिए मैंने रख दिया है वो। अब तुम्हें तो मालूम है ना, वो बड़ा हो रहा है, खेलता कूदता है, उसे इसकी जरूरत है। इसका क्या है, ये तो निठल्ली बैठी रहती है सारा दिन। अरे चार दिन की मेहमान है, पराया धन है, इसे हलवा दे दो। दे दो भाई, जो बचा है उसी में से थोड़ा सा दे दो ना। चल आ जा। जा बेटे जा। ताऊ जी, आप बाबूजी को समझाइए ना कि मैं और सुमंदी। अरे ये क्या मैं लगा रखी है, साफ साफ क्यों नहीं कहती? हम दोनों भी पढ़ना चाहती हैं। पढ़ना चाहती हो? अरे भाई पढ़ाओ, अब पढ़ाने का जमाना है, बच्चियां पढ़ेंगी अब। ठीक है मैं तुम्हारी माँ से एक बार पूछ लेता हूँ। अरे वे सुनती हो रमन की माँ? क्या है जी? देखो भाई साहब क्या कह रहे हैं, भाई साहब कह रहे हैं कि जमाना बदल गया है, लड़कियों को पढ़ना चाहिए। मैं भी चाहता हूँ कि हमारी लड़कियाँ पढ़ें। बच्चियाँ तो नादान है पर... बच्चियाँ नादान है लेकिन भाई साहब तो नादान नहीं है ना। इन्हें पढ़ लिख कर कौन सा कलेक्टर बनना है? अरे अगर थोड़ा बहुत पढ़ लेंगी तो इसमें हर्ज ही क्या है। अच्छा चलो स्कूल नहीं जाती तो कोई बात नहीं, पर शाम को ये स्कूल वाली बहन जी के यहाँ तो जा सकती है ना पढ़ने के लिए। ठीक है तुम लोग कल से जो है ना बहन जी के यहाँ चले जाना पढ़ने के लिए। ठीक तो है घर का काम काज कौन करेगा? अरे देखो भाई घर का काम काज जरूर करना। ठीक है जाओ जाओ, कल से बहन जी के यहाँ चले जाना। भाई साहब भी बस बच्चों की हर बात मान लेते हैं, बाद में भुगतना तो मुझे ही पड़ेगा ना। अरे रमन। हाँ बाबू जी। देख तेरी साइकिल आ गई। हाँ कुछ साइकिल तो बढ़िया। अब तो खुश है ना? देख नंदे मेरी साइकिल आ गई, देख ले साइकिल तो बढ़िया है बाबू जी। भाई एक बार हमें भी देना साइकिल चलाने को। हाँ देना। क्यों दूँ बताओ ना, मेरे लिए साइकिल आई है और वैसे भी लड़कियां साइकिल नहीं चलाती हैं। किसने कहा? ला दे मैं चला के दिखाती हूँ, लड़कियां सब कुछ कर सकती हैं। और नहीं तो क्या? जाती हो के नहीं कि माँ को बुलाऊं? माँ माँ क्या हुआ बेटे? देखो मुझे साइकिल नहीं चलाने दे रही, ये दोनों परेशान कर रही है मुझे। क्यों रही, तुम दोनों क्यों परेशान कर रही हो इसको? हरी एक तो तुम्हारा भाई है और वो भी तुम लोगों को कांटे की तरह चुभता है। हमने क्या किया है, हमने तो चलाने को सिर्फ साइकिल ही मांगी थी, बस बस चलाने को सिर्फ साइकिल मांगी थी। मैं पूछती हूँ कुछ लाज शर्म है तुम दोनों को? लड़की होकर साइकिल चलाओगी, शर्म नहीं आती तुम्हें? ये सब तुम्हारे बाबूजी के लाड़ प्यार का नतीजा है, बिगाड़ के रख दिया उन्होंने तुम दोनों को। चलो जाके अंदर काम करो। और सुन बेटे, तू जल्दी से साइकिल चला के घर आ जा, मैंने तेरे लिए छुहारे का हलवा बना के रखा है। ठीक है ध्यान से जाना। जी माँ। चलो तुम दोनों। हमें तो आज तक एक गुड़िया तक लाके नहीं दी और रमन को साइकिल। दीदी जब हम पढ़ लिख कर बड़े हो जाएंगे तो हम साइकिल नहीं कार खरीदेंगे। थोड़ी ट्यूशन जाओ नहीं तो तुम्हें देर हो जाएगी। दीदी तुम भी चलो ना। अगर मैं भी ट्यूशन जाने लगी तो माँ तुम दोनों का भी जाना बंद कर देगी। वो क्यों? घर का काम काज कौन संभालेगा, माँ के साथ हाथ कौन मिटाएगा? और वैसे भी अभी मैं काम कर रही हूँ तभी तुम दोनों पढ़ पा रहे हो ना। चलो अरे ये विद्या और सुमन के साथ स्कूल की बहन जी यहाँ हमारी तरफ क्यों आ रही? नमस्ते भाई साहब। नमस्ते बहन जी। नमस्ते बहन जी।
ये विद्या और सुमन पढ़ने में आपको तंग करती हैं? नहीं नहीं भाई साहब, बिल्कुल नहीं। पढ़ाई में तो बहुत होशियार है आपकी बच्चियाँ, यही बताने तो मैं आपके पास आई थी। ऐसी होनहार बच्चियों की प्रतिभा यूं बर्बाद होने मत दीजिए। मेरी माँ ने तो इनका दाखिला किसी अच्छे स्कूल में करवा दीजिए। आप ज्यादा इन्हें बिगाड़िए मत, इन्हें पराए घर जाना है। बेटा हो या बेटी, कहलाते तो अपने माँ बाप के संतान ही ना, फिर फर्क क्यों? ये आगे बढ़ने का मौका तो दीजिए, फिर देखिए एक दिन ये आपका नाम रोशन करेंगे, आपका सर गर्व से ऊंचा करेंगे। अच्छा मैं चलती हूँ, नमस्ते। वैसे मास्टर ने जी बात तो ठीक ही कह रही थी। तुम चुप रहो जी, जो कोई कुछ भी कहेगा तुम उसकी बात मान लोगे? तुम्हारे पास अपना दिमाग है कि नहीं? क्या हुआ विद्या? दीदी हम बहन जी के पास ट्यूशन पढ़ने जाते हैं, रमन की तरह स्कूल में पढ़ने क्यों नहीं जाते? क्योंकि वो लड़का है। तो क्या हुआ? तो बड़ा होकर बाबूजी का नाम रोशन करेगा। वो तो मैं भी कर सकती हूँ। अब बस कर, मेरा दिमाग मत खा, घर जाके बाबूजी से खुद ही पूछ लेना, ठीक है? बाबूजी, लड़का और लड़की में क्या फर्क होता है? लड़कियां पराया धन होती। अच्छा, तो रमन पराया धन नहीं है। मैं कमला दीदी और सुमन दीदी आपकी बेटियां नहीं है? अरे नहीं पगली, ऐसी बात नहीं है। लड़कियों का ब्याह कर दिया जाता है ना, इसीलिए वो पराया धन होती हैं। अच्छा, तो मैं ब्याह नहीं करूंगी। अच्छा हाँ। तो क्या करेगी हमारी गुड़िया? मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी। अरे बेटे नहीं, हर लड़की को ब्याह करना पड़ता है, अपने घर जाना पड़ता है, समझी? नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी, बस। अच्छा अच्छा, तू हमेशा मेरे साथ ही रहना, बस ठीक है। जा अब जा, मुझे खाना खाने दे। ये लड़की भी बस ब्याह नहीं करेगी। अजी सुनती हो, मैंने कहा रमन की माँ आती हो। अजी एक बहुत अच्छी खबर है, अपनी कमला के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता आया है। कहो तो बात चलाऊं? ये तो बहुत खुशी की बात है, तुम बात चलाओ जी, मैं अभी ताई जी को बता कर आती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, और ताऊ को भी बता देना, ठीक है? लो एक ग्लास और गया। विद्या, विद्या जी। माँ चल ले पानी लेके आ, जल्दी से लाना। जी माँ। जल्दी है क्या? नौ दो क्या रात? चलती है क्या? नौ दो ग्यारह टिंटन तेरे कहने वाले मेरे बाबू जी ने साइकिल दी है। टंटन टंटन टारा टंटन क्यों? मैं ही क्यों? रमन क्यों नहीं? वो तो सारा दिन खेलता है और मैं उससे छोटी हूँ, मैं क्यों उठाऊँ इतनी भारी बाल्टी? वो क्यों नहीं? क्योंकि ये लड़कियों का ही काम है, समझी तू? और उसका काम ही क्या है? सारा दिन खेलना, स्कूल जाना, अच्छी वर्दी पहनना और साइकिल चलाना। तुझे क्या कमी है बेटी? बाबूजी, आपने हमें पढ़ने के लिए स्कूल में नहीं डाला, और उसे स्कूल में? मैं भी पढ़कर आपका नाम रोशन करना चाहती हूँ। छोड़ो माँ, आज मैं बोल के रहूँगी। बाबूजी, आप ही ने तो कहा था कि सारे चूजे अंडे से निकलने के बाद आसमान में उड़ जाते हैं, चिड़िया तो अपने बच्चों में फर्क नहीं करती, तो आप क्यों करते हो? और माँ, माँ को तो रमन के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है, बस रमन रमन रमन। जब से रमन हुआ है ऐसा लगता है माँ की संतान ही नहीं है, सारा प्यार सारा लाड सिर्फ रमन को ही मिलता है। बाबूजी ठीक कह रही हैं ये दोनों, एहसास तो मुझे भी हुआ था, पर मैं कुछ कह ना सकी। ये अचानक तुम तीनों को क्या हो गया?
ये अचानक नहीं हुआ माँ। चुप करो, बहुत बोल दिया तुम लोगों ने, समझ में आया कि नहीं? लड़ाई का पहाड़ बना दिया इन लोगों ने। नहीं शांति, गलती हमारी है शांति, हमारी बेटियां बिल्कुल ठीक कह रही, हमें ये फर्क नहीं करना चाहिए। दरअसल हम लोग आज तक ये फर्क देखते आए हैं, इसलिए कभी महसूस नहीं किया कि ये फर्क करना कितना गलत हो सकता है। लेकिन अब जमाना बदल गया है शांति, हम लोगों को भी बदलना चाहिए। कल से हमारी बच्चे स्कूल जाएंगे, जाओ बच्चों, जी भर के उड़ान उड़ो। बाबूजी जिंदाबाद, बाबूजी जिंदाबाद, बाबूजी जिंदाबाद। और सुनो शांति, इस घर में कल से कोई किसी से फर्क नहीं करेगा, समझी? और तुम भी अब पढ़ना लिखना सीख जाओ, मैं कमला की शादी तभी करूंगा। वाह वाह राम जी, जोड़ी क्या बनाई, जी जी और जीजा को बधाई हो बधाई, सब रस्मों से बड़ी है जग में दिल से दिल की सगाई। वाह वाह राम जी, जोड़ी क्या बनाई, जी जी और जीजा को बधाई हो बधाई, सब रस्मों से बड़ी है जग में दिल से दिल की सगाई। शुक्र है भगवान का, बस शादी ठीक ठाक निपट गई। बस अब तो भगवान से सिर्फ इतनी दुआ है कि हमारी बच्ची सुखी रहे। अजी सुखी कैसे नहीं रहेगी, सारे घर का कामकाज मैंने जो उसे सिखाया है। और सुनो, अब विद्या और सुमन का स्कूल जाना बंद कर दो। अरे बहुत पढ़ाई कर ली उन लोगों ने। हाँ, और वैसे भी कमला के जाने के बाद मैं तो बिल्कुल अकेली पड़ गई हूँ, फिर घर के कामकाज में मेरा हाथ कौन बटाएगा? और देखो, अब दिनों दिन मेरी उम्र तो बढ़ती ही जा रही है ना, घर तो नहीं रही फिर। अरे भाई, अब तो तुम सास भी बन गई हो, हुँ? और बच्चियों की पढ़ाई लिखाई छुड़वाने की जिद तो तुम हमेशा से करती आई हो। अब तुम्हें बहाना भी मिल गया, कमला की शादी जो हो गई है। लेकिन भाई हमने भी ठान लिया कि जब तक विद्या और सुमन की पढ़ाई लिखाई पूरी नहीं हो जाती, हम भी चैन से नहीं बैठेंगे, चाहे उसके लिए तुम्हारे साथ रसोई में हमें काम ही क्यों ना करना पड़े। तो अब आप घर के चूल्हे चौके में भी मेरा हाथ बताएंगे? नहीं 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 नहीं, नहीं। वो तो तुम ही संभालोगी, हम तो सिर्फ तुम्हारी नौकरी करेंगे। अरे भाई, बच्चियों को पढ़ने दो, वो रमन से कहीं ज्यादा तेज है पढ़ाई में। अरे बच्चों जल्दी करो, स्कूल के लिए देर हो रही है। रमन जल्दी आ। बस 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 बस। अच्छा बेटे। हाँ जी बाबू जी। पढ़ाई तो ठीक चल रही है ना? जी बाबू जी। देखो बेटे, मन लगा के पढ़ना, जैसे तुम्हारी बहनें पढ़ती। जी बाबू जी। इस साल तुम्हें अव्वल आना है। जी। मेरा नाम रोशन करना है। मैं मैच खेलने आ रहा हूँ। अरे तुम मेरे इकलौते बेटे हो। क्यों जी, पास तो हो गया ना? तुम्हारा बेटा फिर फेल हो गया। क्या, हे भगवान, अगर बेटा दिया था तो पास भी तो करना था। आ गए हजरत, हैं? तुम्हारा मतलब तो ये हुआ कि भगवान ऊपर से नीचे आए, इसकी जगह पढ़ाई लिखाई करे, इम्तहान दे और पास हो, और खिलाओ इसका ढोचल थलवा। कभी साइकिल की फरमाइश, कभी मोटरसाइकिल की फरमाइश, सर पे चढ़ा कर रखा है तुमने इसको, सारा दिन आवारा कर दी।
पूरी बिरादरी में मेरी नाक कटवा के रख दी। तीसरी बार फेल हुआ ये तीसरी बार। तो क्या हो गया? वैसे किस किताब में लिखा है? किस किताब में लिखा है कि मैंने पास ही होना है? तो ये किस किताब में लिखा है कि साल दर साल मैं तेरे कॉलेज की फीस जमा कराता हूँ और तू फेल होता रहे? ढंग से पढ़ाई करनी हो तो ठीक है, वरना कॉलेज छोड़ो, घर में बैठ। सारा दिन आवारा करती, घर के काम काज में कोई हाथ नहीं बटाना, पीना पिलाना अय्याशी, बस बहुत हो गया। चुप करो जी। अरे इस साल पास नहीं हुआ तो क्या हुआ, अगले साल ये जरूर पास हो जाएगा, फिर देखना मेरा बेटा भी बीए पास कहलाएगा। हाँ बीए पास कहलाएगा, बेटियां तो एमए कर रही और ये हजरत साल दर साल से बीए ही करते आ रहे हैं। कान खोल के सुन ले, इस घर में रहना है तो ढंग से पढ़ाई करनी होगी, घर के काम काज में हाथ बटाना होगा, पता अपना रास्ता ना। क्यों ये क्या, ये घर तो अब मेरा है ना माँ। बदतमीज। प्लीज पिताजी ऐसा ना हो जाए कि आप ही को घर छोड़ के जाना पड़े। तेरी इतनी हिम्मत कर तू? शांत हो जाइए, मेरे को शांत हो जाइए। क्या हुआ, क्या हुआ आपको? अरे बोलते क्यों नहीं, अरे क्या हुआ? रमन, रमन बेटा जल्दी आ, अरे देख तो तेरे पिताजी को क्या हो गया। रमन, अरे क्या हो गया आपको? रमन जल्दी आ, रमन जल्दी आ। कहाँ चले गए तुम मुझे छोड़ के? लो माँ ये रही दवाइयाँ, खा लेना। बहू कहाँ है? मुझे जाना है, लल्ली को पिक्चर भी दिखानी है। अच्छा माँ चलता हूँ। दर्द हो रहा है माँ? क्या हुआ बोलो ना कुछ। उठो माँ, माँ चुप रहो। माँ तुम्हारा भाई आया था, उसके पास इतने भी फुर्सत नहीं कि दो पल वो मेरे पास बैठे। तुम मत रो माँ, हम है ना। हाँ माँ, तो वाकई मेरी विद्या निकले, मैं हमेशा ही तुम्हें पराया दिल समझती रही, तुम्हें ठीक से प्यार भी नहीं किया, यहाँ तक कि अच्छा खाना भी नहीं दिया। माँ ऐसा नहीं है, तुम्हें बहुत कुछ दिया। तुम्हारे पिताजी ठीक कहते थे कि मैं एक दिन बहुत पछताऊंगी। माँ ऐसा नहीं है, तुम चलो यहाँ से, हमारे साथ चलो, हमें आपकी जरूरत है। मैं तुम पे बोझ नहीं बनना चाहती हूँ। माँ भी कभी बच्चे पर बोझ होती है क्या? और माँ हमारे बच्चों को भी तो आपकी जरूरत है ना, ये जमाने गए माँ। चलो माँ हमारे साथ चलो, उठो।